ये देखिए मम्मी लोग अभी टहल के आए हैं और ये देखिए सब दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं। ये देखिए ये आ गया निंजा, ये भूरी आ गई, भूरी तो मेरी बच्ची है। ये देखो, ये देखिए कैसे उछल रही, ये देखिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखिए मम्मी सुबह सुबह आई हैं, अभी हम घर गए थे। हेलो, घर गए तो मम्मी लोग गुड मॉर्निंग पहले ये लोग देखे हैं, अब बिस्कुट की पन्नी की आवाज़ सुनी सब उड़ गए। देखिए भूरी भी उड़ गई, सब बच्चे भी उड़ गए। ऑफ ऑफ, देखिए देखिए ये अंदर आ गई। देखिए मम्मी बिस्किट खोल रही है, पापा हमारे उल्टी बन जाए पहले। ये देखिए शायद दोस्तों ये छोटा वाला भाई मेरा जो है ब्लॉग स्टार्ट कर चुका है। क्यों सुबह तुम ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हो ना? ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया लेकिन ये नहीं बोला है हमने, आई एम स्टार्टिंग माय न्यू ब्लॉग। ओके वो मैं कह देता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू द स्टार्टिंग माय न्यू ब्लॉग। और अभी इसने क्या शूट किया मुझे खुद नहीं पता, मैं अपलोड कर दूंगा उसमें, क्योंकि मैंने आवाज़ मेरे कानों में कुछ गई थी, मैं सो रहा था और ये आज बहुत जल्दी उठ गया था, क्योंकि आज ये महाशय जा रहे हैं वापस दिल्ली। दिल्ली मेरी जान। और जा क्या करोगे? डांस। ये वहाँ पे नचनिया बनेंगे, नचनिया बनेंगे वहाँ पे, नचनिया बनेंगे और माँ बाप को पैसा फूकेंगे। नहीं फूकने जा रहे, काम पे लगाने जा रहे फूकने जा रहे ये पैसा लोगों का, ऐसी करने जा रहे। लोगों की ऐसी धारणा है कि जो है अपने माँ बाप का पैसा हम दोनों लोग मिलकर उड़ा रहे हैं कायदे पे। तो अब क्या किया जाता है, उड़ा रहे उड़ा रहे भैया हम, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमको पता है। तो हम भी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, हमको पता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समझे? हमने बोला हम। हाँ तो ऐसा नहीं कि मैं जो हूँ पूरा माँ बाप का ही पैसा उड़ाता हूँ भैया, मैं भी कमाता हूँ थोड़ा मोड़ा, 10-20 हजार रुपया महीना कमा लेता हूँ। 10-20 हजार ज्यादा बोल दिया, 400-500 रुपया महीना कमा लेता हूँ। इससे बढ़िया कमाना ना सही है। पापा कहेंगे वो भी तुम उससे ले ले भाई, समझे? अरे मतलब मेरे अच्छा खासा काम चलता है भाई, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मैं EMI भर रहा हूँ दबा के, इस समय दबा के, जो मैंने अपने पिछले बताया था नुकसान जो मुझे हुआ है तो उसका मैं भरपाई करता रहता हूँ, तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं एकदम दिमाग से फ्री हो जाऊँगा। अब जैसे जिससे मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये भी भाई मेरा, क्यों झूठ बोलूँगा आप लोगों से, ये भी मेरा EMI पे ही है भाई। कोई कैश में कोई भी चीज़ नहीं ले पा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि पैसा हो ही नहीं पा रहा है। तो मिलते हैं जल्दी, अभी चलते हैं घर में, नहा धो चुके हैं हम, अब चलते हैं नाश्ता फटाक से करते हैं, चाय पी चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:15 और निकलना है, देर हो रही है। अभी तो आप उल्टी टी शर्ट पहने थे, क्या हो गया? पहन लिया था उल्टी, सीधी कर ली है। नहा लिया? नहीं नहा लिए अभी, कहा नहा। देखिए मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या बना रही? छोला। तो छोला अभी मिलेगा खाने के लिए? और क्या बन गया छोला इतनी सुबह सुबह? और क्या भाई साहब, बॉइलिंग देखिए कितनी गजब आ रही है, सुबह सुबह छोला बन गया अपने यहाँ तो, आज छोला भटूरा मिलेगा खाने को। वैसे मैं इस कैमरे की क्वालिटी चेक कर रहा था, इसमें पीछे ब्लरिंग वाला भी ऑप्शन है, पोर्ट्रेट वाला भी, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इस फ़ोन में, लेकिन बस वही है ना कि भाई बेफालतू में मैंने ले लिया यार। हाँ मैं देखते, मम्मी बुला रही है। भाई साहब ये अपना आ गया नाश्ता, सवेरे 10 बजे जो है हम खा रहे हैं आज छोला, और इधर है पूड़ी, और इधर प्याज, और इधर यूक्रेन में चल रहा है महायुद्ध। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं, और बहुत ही गोलियों और सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं विंसेंट सर, उनका बेटा भी कहते हैं यूक्रेन गया हुआ था, अभी पता नहीं वो है कहाँ नहीं, अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं ऑफिस की तरफ, और ऑफिस जाना है थोड़ा मोड़ा काम है, फिर मुझे दिन में जो कल मैं काम से गया था मुझे 1 बजे फिर बुलाया है आज भाई, आज वो मतलब मेरे को पेमेंट लेनी है कुल मिला के, कल मुझे पेमेंट नहीं मिल पाई थी, आज उन्होंने 1 बजे कहा है मुझे पेमेंट देने के लिए, भैया मेरा पेमेंट दे दो, तो मेरा यार EMI मेरे को पेंडिंग होती जा रही है, मतलब पेंडिंग क्या हो रही है, ये तो हो ही रही है लेकिन मेरे लिए वो पेंडिंग है भाई, वो मैं दे दूँगा तो कमरा मेरा एक सर से बोझ उतर जाएगा। और छोटा वाला भाई भी आज जा रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे, तो इसीलिए
और मोबाइल लेने के बाद तो भैया अपना पूरा ही बजट बिगड़ गया फायदे से। क्या मतलब कि जब मुझे वाकई में नीड नहीं थी फ़ोन की, नए फ़ोन की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था वो फ़ोन, अब क्या बताऊँ मेरा दम भाई दिमाग ही मेरा ख़राब हो गया है। इतना अच्छा फ़ोन चल रहा था ना कि कैमरा क्वालिटी उसकी बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा मैं ब्लॉग एडिट कर लाता था उससे बैठ करके सॉफ्टवेयर से वेबसाइट के थ्रू, और आपका और भी सारी चीज़ें मैं कर लेता था बढ़िया से, मेरा ऑफिस का सारा वर्क, क्योंकि इसलिए वो फ़ोन मेरा ऑफिस का था, अगर मेरा ये पर्सनल वाला ख़राब हो जाता ना एक बार तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उसमें सारा डेटा मैं उसमें ही ट्रांसफ़र कर लेता। लेकिन सीन ये हुआ, सीन ये हुआ ना कि ऑफिस वाला ख़राब हो गया, क्योंकि पर्सनल वाला मेरा एकदम बहुत नॉर्मल सा फ़ोन है, मतलब वो 464 का है, उतना स्पेस भी उसमें नहीं है, और वो भाई मैं चार साल 2016 से चला रहा हूँ, 2018 से 2018 चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे उसको 4 साल हो गए। अभी दोस्तों मैं जैनेश्वर के पास में हूँ, मतलब ऑफिस से मैं निकला जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, और जैनेश्वर जा रहा हूँ, सॉरी घर जा रहा हूँ, जैनेश्वर कह रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं भाई जिससे पेमेंट लेनी थी आज उसने तो गोला दिया ही दिया, लेकिन मैंने भाई आज उसको फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि कल तक मुझे पेमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि भाई जब उसके बारे में मुझे मतलब कि मैंने देखा उतनी देरी में जितनी देर में उसके पास बैठा हुआ था उनकी दुकान पे स्टूडियो पे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बंदा 50% का पेमेंट ले चुका है, ठीक है 2-3 लोग कस्टमर्स आए, ठीक है, और उनका काम नहीं करके दिया, एक्सीडेंट हो गया है इस वजह से उसने काम नहीं करके दिया तो अब वो 50% पेमेंट भाई तभी मिलता है हमारी लाइन में जब आप पूरा काम कर दोगे तभी। तो अब जब भाई जब तुम काम ही नहीं करके दोगे तो कौन आदमी आपको जो है मतलब पेमेंट करेगा। मैं मान सकता हूँ कि भाई एक्सीडेंट हुआ है सारी चीज़ें हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया होगा, लेकिन भाई कुछ तो एक दो प्रोजेक्ट तो किसी का कंप्लीट करके दो तो जिससे कि तुम्हारा पैसा रिलीज हो, तो तुम लोगों को पैसा दो। इधर है सुमू भाई और इधर है आकाश रॉय और ये लोग जा रहे हैं दिल्ली, इस बार हम नहीं जा रहे हैं छोड़ने, तो आपको मिस करेंगे कोई बात नहीं, अभी हम होली में आ जाएंगे, होली के बाद गाड़ी लेके आएंगे भाई, गाड़ी देना है इन लोगों को। आज भी समर्थ की मैंने ऑफिस छुड़वा करके इसको लेके जा रहा हूँ आकाश को छोड़ने के लिए, कहाँ गया ये, क्या कर सकते हैं बदतमीज़ ये भाई, ठीक है अभी तो उसका नया ज्वाइनिंग है, इसके ऑफिस वाले कह रहे होंगे कि रात में 3 बजे लॉगिन हो रहा है, 4 बजे लॉगिन हो रहा है समझे, और वैसे लॉगिन तो ये हमेशा ही रहता है, अभी भी लॉगिन ही होगा, ये लॉगिन है नहीं है अभी भी लॉगिन नहीं है, लेकिन तो बस अब पहुँचने वाले हैं हम लोग, जस्ट पहुँच के छोड़ते हैं इन लोगों को और उसके बाद फिर वापस जाना है घर, बीच में रास्ते में कुछ काम नज़र आ गया तो बात वो चलती चलती भी हो जाएगा। हाँ मतलब वही रात काम करना है और कोई काम नहीं कर सकता मैं, यस थैंक्स फॉर द डे, जो उसको काम करना था वो कर चुका है ये देखिए ये कहते हैं डिवाइडर है और ये गाड़ी फांद फांद कर यहाँ से लेके आ रहे हैं ये लोग, इतना जाम लगा हुआ है लेकिन इन लोग का समझ में नहीं आ रही, पिकअप वाले ना जो चाहे वो करा दें। और ये है आकाश की इंटरसिटी बस जिससे जाना है इनको दिल्ली, देखते हैं कहाँ पे है इनकी सीट और इनको बनाते हैं बिल्ली। ये इनका इंटरसिटी का कोच है, कहाँ गए ये लोग, ये दोनों नीचे के लिए हो क्या, हाँ। बैठने वाले लिए हो, हाँ। अब हम तो सोच के सो के जाओगे तुम लोग, चलो भैया हम लोग चलते हैं, बाय बाय टाटा गुड नाइट, हैप्पी जर्नी, बाय सुमू भाई, ये आज हम हमारे ब्लॉग में लास्ट आ रहे हैं, फिर होली मिलेंगे अब आप, ठीक है बाहर आ रहा हूँ भाई साहब, ट्रैफिक देख रहे हैं कितना ज़्यादा है और समर्थ हमारे गाड़ी लेकर के आगे पहुँच गए हैं, तो फटाक से गाड़ी पकड़ते हैं, मतलब वो आगे लेकर के रुजू टंग लेकर के आया ना इसलिए वो आगे चला गया है। चलो भैया आपसे ये रूम अपना वापस अकेले फिर से हो गया है, क्योंकि अब वो चला गया है तो ये रूम अब हम
फिर से अकेला यूज़ करेंगे, वो आएगा होली में, आएगा भी कि नहीं आएगा मुझे ये भी नहीं कन्फर्म है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मेरे को कुछ सब्सक्राइबर्स गेन हो जाए भाई, प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।